हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पैसे तो आएगा यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर आपके लिए धमाकेदार स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं। आपको मैं उम्मीद करूंगा आपको स्ट्रेटेजी पसंद आएगी और प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बैंक निफ्टी की ट्रेड, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक स्विंग ट्रेड मैं सब देता हूँ वहाँ पर फ्री में, ठीक है? आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है? और उससे पहले जिसने पैसे तो आएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी दी जाती है आपको। 1 वीक में 2 से 3 स्ट्रैटेजी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है? आपको लर्निंग मिलेगी और लर्निंग के साथ आपको अर्निंग भी होगी साथ साथ, ठीक है? जैसे मैंने आपको ये पहले बता देता हूँ कि 4 दिन पहले स्ट्रैटेजी डाली है, 1 मिनट स्कैल्पिंग, आप इसे ज़रूर चेक कर सकते हैं, ठीक है? और आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी आपको करोड़पति बना देगी, ये स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, ठीक है? और मैं बता देता हूँ आपको, ये जॉब से आज़ादी, ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रैटेजी जरूर देखें, ठीक है? चलते हैं स्ट्रैटेजी पे, कैसे काम करना है, क्या होगा रूल, वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी कोई भी मिलती है यूट्यूब पे, यहाँ पर इस चैनल पे या किसी भी चैनल पर, आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है? आपको कम से कम 10 से 15 दिन बैक टेस्टिंग करनी है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके बाद आप रियल मनी लगा सकते हैं, ठीक है? पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप पहले, ठीक है? स्ट्रैटेजी पे आते हैं। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ मैंने, आप इसे निफ्टी भी लगा सकते हैं, इसे स्टॉक में भी लगा सकते हैं। मेरी जो भी स्ट्रैटेजी होती है, मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है 99% हर किसी सेगमेंट में काम करती है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो स्टॉक हो, किसी में भी काम करती है। हर जगह काम करती है मेरी स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो आपको क्या करना है इसके अंदर, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं। मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ले रखा है, आप अपने जरोधा अपस्टॉक कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है आपको। कितना मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, ठीक है? आपको यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत ही अच्छा पैसा। पूरी जो गेम होती है ना, पूरी जो गेम होती है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 15 मिनट के ऊपर होती है सारी गेम। जो पहला कैंडल बनता है ना हमारा 15 मिनट का, इसके ऊपर सारी गेम होती है। आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना, कंडीशन क्या क्या हो सकती है हमारे। पहला रेड कैंडल बन सकता है या ग्रीन बन सकता है, कोई भी ग्रीन बन सकता है, रेड बन सकता है ना, यही बनेगा, तीसरा कलर तो कोई बनेगा नहीं, ठीक है? विक ऊपर नीचे बन सकती है, या फिर एक विक ऊपर बन सकती है, या फिर एक विक नीचे बन सकती है, ऊपर नीचे बन सकती है, या फिर एक ऊपर विक बन सकती है। विक दिख रही है आपको, ये छोटी सी छोटी, ठीक है? ये आपको दिखाई दे रही है ऊपर ऊपर, ठीक है? ये डंडी सी दिख रही है, ठीक है? कोई भी हो सकता है, ठीक है? कैसे भी हो सकती है, पूरी कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, कोई विग नहीं हो सकती, पूरी कैंडल रेड भी हो सकती है, कोई विग नहीं हो सकती, ऊपर नीचे विग भी हो सकती है, यहाँ पर देख सकते हो, या ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है? आपको पहला कैंडल चेक करना है, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे काम करना है आपको। मैं आपको ये सारा हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको क्या करना है, आपको पहले 15 मिनट का कैंडल देखना है, पहले 15 मिनट का कैंडल। जैसे मैंने आपको बताया, विक नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, कैसे भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है? आपको क्या करना है, पहला कैंडल जो दिख रहा है आपको, आपको इसको उसके हाई को, उसके लो को मार्क कर लेना है। आपको क्या करना है, पहले कैंडल का ऊपर का हाई और लो मार्क कर लेना है, ठीक है? आपको इसमें काम कैसे करना है, साइडवेज मार्केट होगी तो आपको पता चल जाएगा, इसी कैंडल के अंदर अंदर जाती रहेगी कैंडल्स, ठीक है? आपको कोशिश करनी है इसके बाहर निकलने के बाद, या फिर इससे नीचे निकलने के बाद ही काम करना है, ठीक है? जैसे ही ये ब्रेक करता है, आप जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसका हाई ये देखो यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर 34 है ना, यहाँ पर शो कर रहा है 34620, ठीक है? यही शो कर रहा है ना। आप इसमें बफर लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का, जैसे 34620 दिखा रहा है आपको, यहाँ पर आप 30 कर सकते हैं, ठीक है? 10 रुपये का बफर लगा सकते हैं, और आपको यहाँ पर बाय ऑर्डर लगाना है, ठीक है? यहाँ पर आपको बाय ऑर्डर लगाना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, यहाँ पर अगर अंदर बन जाती है
तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर बन जाते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर हमारा, मैं ये 11 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसने क्रॉस किया, आपने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर लिया, यहाँ पर आराम से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, 100 से 150 पॉइंट का। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा यहाँ पर, ठीक है। आप इसमें कम से कम कोशिश तो ये करनी है, कोशिश आपको ये करनी है, आपको यहाँ पर 30 से कम से कम 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, सॉरी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। और वो मैं आपको बताता हूँ किस, कौन सी आपको स्ट्राइक प्राइस बाय करनी है। आपको स्ट्राइक प्राइस जो बाय करनी है, वो आपको करनी है जो सेफ ट्रेडर है, एकदम जो सेफ ट्रेडर हैं वो आपको, जैसे मार्केट चल रही है यहाँ पर देखो 3-4, यहाँ पर 3-4-6-2-0, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 200 रुपये से लेकर 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में आपको स्ट्रैटेजी स्ट्राइक प्राइस में आपको बाय करना है। कौन सी बाय करनी है, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा, उसके अंदर आपको 100 से लेकर 200 रुपये के बीच में कोई भी मिलती है आपको ट्रेड, वो आपको बाय करनी है बैंक निफ्टी में, ठीक है। आपको 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है कम से कम, और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। 40 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस लगाओगे आपका, अगर 100 रुपये की आगे ट्रेड होगी ना, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया आपने, तो कम से कम वो 200 रुपये जा सकती है आपकी ट्रेड। अगर ट्रेड चलती है तो 200 रुपये जा सकती है। यहाँ पर हमें दो, एक दिन में सिर्फ दो ट्रेड लेनी है, एक मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलती है तो आपको कोशिश करनी है सेकंड ट्रेड लेनी है। अगर सेकंड, फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस होता है तो सेकंड ट्रेड लेनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बाय कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ बता, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको इसने, आपको ने यहाँ पे हाई का मार्क किया, यहाँ पे लो ने लो का मार्क किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बार, जैसे ही यहाँ पर दो कैंडल अंदर बनी, आपने जैसे ही देखा कि ब्रेक आउट होने वाला है, आपने यहाँ पर 10 पॉइंट का बफर लगा के आपने बाय कर लिया। यहाँ पर देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपको कोशिश क्या करनी है, जितना ये कैंडल बना है ना, जितनी इस कैंडल का साइज है, ठीक है, जितना इस कैंडल का साइज है उतना ही प्रॉफिट अर्न करना है। और अगर आपको इतना प्रॉफिट मिल जाता है तो आप कोशिश करो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। स्टॉप लॉस ट्रेल ना, बहुत से लोगों को नहीं पता ट्रेल का क्या मतलब होता है, बहुत से लोग ये बोलते हैं, ठीक है। ट्रेल का मतलब सिर्फ ये होता है, अपना स्टॉप लॉस को उठाकर धीरे 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 ऊपर ले जाओ, ठीक है। अगर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ आपने बाय की है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है, और मार्केट 150 पहुंच गई है, 140 पहुंच गई है, 200 गई है, तो अपना जो 50 रुपये का स्टॉप लॉस जो आपने लगाया है ना, जैसे यहाँ पर लगाया मान लो एग्जाम्पल, तो धीरे 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 ऊपर करते जाओ, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ऐसे करते जाओ। आपको लॉस कभी नहीं होगा, आप लिख कर ले लो, कभी लॉस नहीं करोगे मार्केट के अंदर। स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी मार्केट में जैकपॉट मिल जाएगा आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने से, ठीक है। हम आते हैं ये बात, यहाँ पर सेल साइड की कंडीशन भी देखेंगे, सेल साइड की कंडीशन भी सेम है, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, 200 रुपये तक ही आपको ट्रेड लेनी है इस मार्केट के अंदर। जब आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहे हो तो 200 रुपये की ही ट्रेड लेनी है, इससे ऊपर की ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, देखो मार्केट, ये देखो 9:15 का कैंडल है, 9 मार्च का, और यहाँ पर देखो अंदर बाहर करती रही मार्केट, इसी रेंज के अंदर फंसी हुई थी मार्केट। जैसे ही इसने ब्रेक किया, यहाँ पर देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हमें हो गया, ठीक है, कितना अच्छा प्रॉफिट हो गया हमें। इसलिए ही बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी कभी आपको दिखता होगा यहाँ पर दो कैंडल बनी, एक कैंडल यहाँ बनी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट नीचे नहीं जाता। आपको इसको अगर पहचानना है, अगर आपको इसको पहचानना है, जैसे आपका प्रीवियस कैंडल, जैसे यहाँ पर ये वाला रेड कैंडल बना, तो आपने देखा यहाँ पर गया, इससे बाद ना यहाँ से डाउन जा रहा है, तो आपको कोशिश करनी है इस कैंडल के नीचे ना जाए, आपको कोशिश करनी है इस कैंडल के नीचे ना जाए, तब तक आप वेट कर सकते हैं। वरना आप, ये टॉपिक हम बाद में करेंगे, ठीक है। आप कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आप, हम ये कैसे पहचाने कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर मार्केट को नीचे जा रही है एकदम मार्केट, ठीक है। ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाकर। तो आप अगर ये चाहते हैं वीडियो मैं बनाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं एक बार, ये डोजी कैंडल बन गया था, पहला ही कैंडल डोजी बना हुआ है, तो देख सकते हैं मार्केट कंफ्यूज है, फिर भी हमने छोटा सा प्रॉफिट कर लिया। लेकिन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है? कि दो कम से कम ट्रेड लेनी है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोड़नी नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर, अब देखो सेल साइड की कंडीशन आ गई, यहाँ पर देखो मार्केट ने, यहाँ पर देखो टाउन ब्रेकआउट कर दिया है,
ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट इसे बोलते हैं, ऊपर जब करती है और जो नीचे करते हैं तो ब्रेक डाउन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। कोशिश करनी है स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कोशिश करनी है स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ठीक है आपको। अब हम और देखते हैं, ये देखो मार्केट ने देखो यहाँ पर हमें ट्रिगर किया प्राइस हमारा, और देखो नीचे मार्केट ऊपर नीचे जाती रही, ऊपर नीचे जाती रही। यहाँ पर देखो देखो मैं बोल तो ये सकता हूँ कि आप इसका हाई लगाओ स्टॉप लॉस, इसका लो लगाओ बाय साइड में, जैसे यहाँ पर बाय साइड में यहाँ पर इसका लो लगाओ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इतना बड़ा रिस्क तो कोई नहीं लेता, आपको ही पता है मुझे ही पता है तो हम उतना बड़ा रिस्क, उतना रिस्क ले सकते हैं जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। 40 पॉइंट 1,000-1,200 का लॉस हर कोई अफोर्ड कर सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस इतना बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 200-300 रुपये का लॉस हो गया, अगर 200-300 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कम से कम 3-4 हज़ार का लॉस हो गया, तो फ़ायदा क्या। आज के टाइम में ना मार्केट के अंदर 15,000-20,000 वाले हैं लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूँ जो कि प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। ये वीडियो मेरा वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, वीडियो तो मैं आपको डेली एक वीडियो बना के दे दूंगा, डेली एक वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन फायदा क्या है उसका। मेरे को व्यूज नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। आपका प्रॉफिट होगा, मुझे मेरा भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपको अगर प्रॉफिट होगा तो आप मुझे बोलोगे कि प्रॉफिट हुआ, तो मेरी एक फैमिली बनेगी तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। आप मुझसे जुड़ोगे तो मुझे जानोगे, मैं आपको जानूंगा कैसे, तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, पहला कैंडल हमें वॉच करना है, सबसे पहले पहला कैंडल वॉच करना है, बनने देना है। उसके बाद देखो अगर 2-3 कैंडल बनते हैं, जैसे ये वाला जो मेरे को, ये वाला ना ये सबसे अच्छा लगता है, देखो ये वाला यहाँ पर बना था ना, ये अंदर, ये देखो ये वाला, ये कैंडल अंदर अंदर यहाँ से कितनी कैंडल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑलमोस्ट 11, 12, 12 कैंडल बनी। ये मेरे लिए फेवरेट है सबसे, जब मार्केट एक ही कैंडल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है ना इतनी देर तक, तो कोशिश करो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। जहाँ भी ब्लास्ट, जहाँ भी ब्रेकआउट करेगा, जहाँ भी यहाँ से बाहर निकलेगा इस कैंडल से, तो ब्लास्ट ही होगा, ठीक है, ब्लास्ट ही होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर थे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देखो अगेन यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर हमने फिर बाय कर लिया, फिर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सिर्फ दो ट्रेड करनी है, अगर एक होती है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ, ठीक है। हम आते हैं ये वाली कैंडल के ऊपर, देखो कितना अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है इस कैंडल ने, डेली आपको प्रॉफिट मिलेगा डेली, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने जैसे ही ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर देखो कितना अच्छा प्रॉफिट मिल गया पूरे दिन। इसलिए बोलता हूँ स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं हर हर एक वीडियो के अंदर बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको, कि पहले आपको पता लग जाए कि हाँ मैं बैक टेस्टिंग पूरी करके दिखा रहा हूँ, आपको भी इतनी ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े, ठीक है। पहला कैंडल देखा आपने, जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया सॉरी, वैसे ही देखो आप यहाँ से कितना अच्छा प्रॉफिट मिल गया। अगर किसी ने यहाँ पर भी अगर सेल किया होता तो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, 200 रुपये की चीज़ कम से कम 700 रुपये की पहुँच गई होगी, 500 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला ट्रिगर होता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई बात नहीं, हमें पहले देख लेना है। 30-40 पॉइंट का स्टॉप हिट होगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ देखो, ये देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट। अगर एक दो दिन 1 दिन 2 दिन 30 रुपये 40 रुपये का लॉस भी होता है ना, तो अगले दिन आपको प्रॉफिट ही होगा। बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर आप किसी भी स्टॉक में चेक कर सकते हो। यहाँ देखो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, देखो कितना अच्छा, कितना बड़ा कैंडल बना यहाँ पर, देखो ये आपका 100 रुपये की चीज़ भी ना इसने 400-500 रुपये पहुँचा दी होगी यहाँ तक, कम से कम 500 रुपये, कम से कम 500 रुपये, ठीक है। आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आप लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर करके जाओ। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखने वाली चीज़ है बस, और कुछ नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। जो रिस्क ले सकते हैं वो कैंडल का लो लगाना, ठीक है। जो रिस्क नहीं ले सकते आप 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगा कर ही चलना, ठीक है। आप देख सकते हैं
बहुत सारी ट्रेड है, ठीक है। मैं कब बैक टेस्टिंग आपको खुद भी करनी पड़ेगी, तो आप बैक टेस्टिंग करिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर बैंक निफ्टी की, निफ्टी की स्टॉक ऑप्शन हम देते हैं, बहुत अच्छी ट्रेड होती है, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी पैसा कमा सकते हैं, बनी बनाई ट्रेड होती है आपके लिए, ठीक है। आप वहाँ भी स्टडी कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालता रहता हूँ, कि बुक्स भी डाल देता हूँ और कुछ नॉलेज की चीज़ें डाल देता रहता हूँ, तो आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, ज्वाइन जरूर होना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।